मेरी मानो तो मत चलाओ। और सच बता रहा हूँ, मेरा जो 8000 किलोमीटर के बाद का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ख़राब था। कि अपनी ब्रेक पैड्स दोनों चेंज हुई है, सो ब्रेक पैड्स का जो लाइव है वो ऐसा ही समझ लो। मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी पैसे फूक चुका हूँ मैं ऑलरेडी। हर महीने कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ता है। और अगर राइड के बीच में पार्टी करने का इरादा हो तो यह है डिस्को मोड। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और गाइस, थंबनेल और टाइटल पढ़ के तो वो समझ में आ ही गया होगा आज की वीडियो जो डार्क नाइट पे रहने वाली है। मैंने लास्ट वीडियो में अपने को दिखा दिया था कि मेरे डार्क नाइट का 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और अभी इसका सर्विसिंग टाइम आ चुका है। वेल, सर्विस रिमाइंडर अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में रिमूव कर दिया था। सो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि उससे कुछ इफेक्ट आएगा कि नहीं, लाइक वारंटी एंड ऑल। सो वेल, फिलहाल तो यार हम लोग जा रहे हैं चिनार पार्क सर्विस सेंटर और अभी हमारा अपॉइंटमेंट बुक था सुबह का। वैसे तो यार फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहता है, बट यार रॉयल एनफील्ड का जो रश है वो दैट्स नेक्स्ट लेवल। लाइक गाइस, केटीएम में क्या होता है, कोई भी छोटा मोटा काम रहे, कुछ भी रहे, कभी भी मुंह उठा के चले जाओ कर देते हैं। पर रॉयल एनफील्ड में यार पहले से अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है, वरना लात मार के भगा देते। जस्ट किडिंग, लात नहीं मारते, मतलब हाँ रश रहता है ऐसे कह सकते हो। वेल, वैसे गाइस, अभी सर्विसिंग के अलावा हम एक और काम करवाने वाले हैं, अगर होता है तो अच्छी बात है। दैट्स टूरिंग मॉडिफिकेशन। और थंबनेल में साथ आपने देख ही लिया होगा, अभी घर से निकलने से पहले मैंने ये सब चीज़ें कैरी की है, देख लो आप। सो गाइस, ये सारी चीज़ें आज अपने डार्क नाइट पे इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो, एक विंडशील्ड है बड़ा सा, और जो रॉयल एनफील्ड की जो स्टैंडर्ड विंडशील्ड है ये इससे थोड़ी बड़ी है। आई होप इसमें विंड बफेटिंग का जो प्रॉब्लम वो नहीं होगा। और बाकी हमारे पास HJG के दो फॉग लैम्प्स है, इसको हम लगाने वाले हैं। टूरिंग मॉडिफिकेशन बियर बिना फॉग लैम्प के तो हो नहीं सकता है। और बाकी सीट कवर है, एंड एज यू कैन सी जो लाइट के जो ग्रिल्स आते हैं, ये हेडलाइट का, दीज आर फॉर इंडिकेटर्स, और ये छोटे वाले जो है पायलट लैम्प के हैं। तो बस अब जल्दी से सर्विस सेंटर चलते हैं, इन सबको इंस्टॉल करते हैं। सो गाइज, ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे फिट करवानी है। और बस विंडशील्ड जो है मेरा पीछे है, मतलब जो हेलमेट का बैग रहता है उसमें मैंने लटका के रखा है। और गाइज, आज जब घर से निकल रहा था सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि विंडशील्ड कैसे दें, इतना बड़ा चीज़ इसमें तो नहीं आएगा और उतना बड़ा बैग भी नहीं है। तो उसका क्या जुगाड़ लगा है वो मैं तुमको बाद में दिखाता हूँ। फिलहाल गाइज, 10,000 किलोमीटर क्योंकि हो गया तो मैं आप लोग को कुछ फीडबैक दे देता हूँ कि अभी तक कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। वैसे तो हम लोग लगभग पहुँच ही चुके हैं अभी। वैसे दो तीन चीज़ें मेरे को सर्विस सेंटर में चेक करवाने हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। वैसे तो कुछ मेजर दिक्कत नहीं है, बस ये जो क्लच केबल है ये साथ से थोड़ा लूज़ हो गया है। ये अभी देखो, इतना यहाँ तक छोड़ने के बाद, मतलब पूरा जब छोड़ रहे हैं उसके बाद बाइट पकड़ रहा है। बाकी यार रॉयल एनफील्ड क्लेम करता है 10,000 किलोमीटर के बाद आप इसका ऑयल चेंज कराइए, सेकंड वाला। सो 9,000 किलोमीटर के बाद मैं बाप को बता दूं कि बहुत गंदा वाला हीटिंग हो रहा था इसमें, और मेरे काफ़ी भाई लोग मिस कर रहे थे डार्क नाइट को, बट डार्क नाइट को नहीं निकालने का कारण यही है। बाकी गाइज, एक और चीज़ देखना पड़ेगा, जो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज जो मैंने खरीदे हैं वो सर्विस सेंटर से फिट करेंगे कि नहीं। वेल, KTM में तो कर देते हैं, यहाँ का पता नहीं क्या सीन है। वेल, ऐसे गाइज, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो एक ही सामान है, यानी फॉग लैम्प, और वो भी HJG का है। बाकी तो सब यार डेकोरेशन एक्सेसरीज है। सो गाइज, फाइनली हम लोग आ गए रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर, और ये तुम्हारा भाई का टैंक बैग जिसमें सारा सामान है, और ये तुम्हारा भाई का जुगाड़। और इससे बेहतर मुझे कुछ मिला नहीं। लाइक SMK का मेरा जो हेलमेट का बैग है, देखो कितना बड़ा है। और अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इसमें वाइज़र जो है पूरा फिट आ गया, इसको हम पेट में भी लगा सकते थे, तो यही हमको बेस्ट लगा। सो गाइज, ये जो है ये रॉयल एनफील्ड की जो स्टॉक विंडशील्ड है वो है, जो मीटियर वगैरह पे लगती है। और ये हमारी वाली, देखो दोनों को हम एक साथ लगाते हैं, और नो चीटिंग, सब बराबर में। और ये देखो भाई साहब कितना बड़ा है। गाइस, गाड़ी हमने दे दिया सर्विसिंग के लिए, और बाकी बैड न्यूज़ है कि एक्सेसरीज जो है वो फिट नहीं होंगे, यानी कंपनी से जो है उनका रेस्ट्रिक्शन है कि बाहर का मतलब आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं लगा सकते, लाइक विंडशील्ड हो गया, फॉग लैम्प्स हो गया। और यार इतने नखरे यार KTM वालों का नहीं है, सिंपल जाओ जो बोलते हैं वो कर देते हैं। बाकी यार सर्विसिंग में भी टाइम लगेगा, सो शाम तक गाड़ी मिलेगा। और यार इतना सामान लेके मैं अभी घर जाने वाला तो हूँ नहीं, तो और क्या कर सकते हैं। निकल चुके हैं रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर से, और भाई साहब जैसे कैप्टन अमेरिका पीठ में शील्ड लगाए घूमता है, मैं पीछे विंडशील्ड लगाए घूम रहा हूँ। बाकी गाइज, एक और चीज़ नहीं हुआ, वो है वॉशिंग। और वॉशिंग नहीं किया तो ऑब्वियसली चेन क्लीन, चेन ल्यूब कुछ भी नहीं हुआ। बाकी यार आज थोड़ा फटका लग गया क्योंकि ब्रेक पैड्स जो थे वो पूरे गए थे, सो
250 के तो ब्रेक पैड्स ही लगे आगे पीछे के, और बाकी यार इंजन ऑयल वगैरह का तो है ही। बाकी गाइस यहीं पे कहीं पे एक एक्सेसरीज फिटिंग का दुकान है, सो अभी देखते हैं कि यहाँ पे एक्सेसरीज फिट होगा कि नहीं। सो आई थिंक दिस वन, अंदर चलते हैं बात करते हैं, देखते क्या सीन है। सो गाइस फाइनली हमने दे दिया अपने डार्क नाइट को मॉडिफिकेशन के लिए, और काफ़ी गंदी हो गई है देखो, इसका वॉशिंग नहीं हुआ। बाकी भैया इधर फॉग लैंप सेट कर रहे हैं हमारा, सो इसको बनने देते हैं फिर दिखाते हैं आपको फाइनल लुक क्या आता है। सो गाइस फॉग लैंप्स की लुक कुछ ऐसी आ रही है, और अभी वैसे वायरिंग बाकी है, और गाइस जो इंडिकेटर का ग्रिल है वो इसमें बैठने वाला है। सो इसको यहाँ पे ऐसे लगाना है, इसके ऊपर बैठेगा ग्रिल, और ये इनका स्क्रू देखो गाइस कितने छोटे छोटे है, खो ना जाए। सो गाइस अभी अपना इंडिकेटर का ग्रिल लग रहा है फुल पावर, और काफ़ी सही लग रही है यार। बाय द वे गाइस ग्रिल लगाने से पहले मुझे इस बात की दुख थी कि इसके ऊपर जो टोपी है ये काफ़ी सेक्सी लगता था मुझे। सो भैया ने कहा कि अगर ग्रिल लगाते भी है तो ये नहीं हटेगा, मतलब इसके ऊपर ही लगेगा। सो गाइस फाइनली हमारे पायलट लैम्प और हेडलाइट पे ग्रिल लग चुका है, और देखो कुछ ऐसी लुक्स आ रही है, काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है गाइस। सो गाइस इग्निशन ऑन करने के बाद देखो कुछ ऐसी दिख रही है, ज़बरदस्त। सो गाइस जिस तरह एकदम सेक्सी सा रोड बनाने के बाद याद आता है कि यार पाइपलाइन तो डाले ही नहीं, उसी तरह यहाँ पे कुछ सीन हुआ है। सो गाइस जो फॉग लैम्प का कनेक्शन है उसको बिठाने के लिए हेडलैम्प का यूनिट निकालना पड़ा देखो। उसके अलावा ये विंडशील्ड काफ़ी बकवास लग रही है, वैसे ये जो जगह है वही यूज़ हो रही है, बाकी जो हेडलैम्प या इंडिकेटर के तार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। आई होप कि इससे वारंटी का कोई इशू ना हो। तो गाइस फाइनली अपनी डार्क नाइट हो चुकी है टूरिंग मॉडिफाइड, और गाइस पहले तो मैं आप लोगों को फॉग लैम्प का थ्रो दिखा देता हूँ। सो बेसिकली ऑन ऑफ करने से इसका जो मोड्स है वो चेंज होते हैं। सो आई थिंक ये हाई बीम है, दिस इज लो बीम, और अगर राइट के बीच में पार्टी करने का इरादा हो तो यह है डिस्को मोड। ओ डार्क नाइट फुल रॉकिंग ब्रो। बाकी गाइस कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है, इसका इग्निशन ऑन कर देते हैं। सो कुछ ऐसा लुक्स आ रहा है, पायलट लैम्प्स हेड लैम्प्स का ग्रिल भी काफ़ी सही लग रहा है। एक चीज़ काफ़ी बवासीर लग रही है वो है ये, आई नो ये एवेंजर का या किसका विंडशील्ड दे दिया पता नहीं, ज़रा हैज़र्ड्स भी ऑन कर लेते हैं। सो ये है इसकी लुक्स, और पीछे से कुछ ऐसे लग रही है, कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है ये। वैसे ये जो ग्रिल है ये काफ़ी यूज़फुल है, अगर पत्थर वत्थर लगता है तो ये आपका लाइट का जो शीशा है वो उसमें क्रैक या कुछ भी डैमेज आने से बचाएगा। ओनली चीज़ तो मुझे देखना है कि ये चीज़ कितना यूज़फुल रहता है, बाकी बात हम रास्ते में करते हैं, अभी यहाँ से रवाना देते हैं। बाकी मॉडिफिकेशन वगैरह तो मैंने आपको दिखाई दिया क्या क्या करवाया क्या क्या नहीं करवाया, सब आ जाते हैं अपनी ओनरशिप पे। तो 10,000 किलोमीटर की ओनरशिप देखो यार ज़्यादा कुछ अलग तो नहीं है, गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स वगैरह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पर हाँ सर्विसिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। आई थिंक रॉयल एनफील्ड को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, क्यों देखो गाइस मैं KTM भी ओन करता हूँ, तो वहाँ की जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगती है, एक तो यार रॉयल एनफील्ड की तरह उधर इतना वेट नहीं करना पड़ता, आप लोगों को पता है कभी भी मुँह उठा के चले जाओ वो आपके सुनते हैं, और बेसिकली वो आपके सुनते हैं वो सबसे अच्छा चीज़ लगता है। मतलब अगर मैं कहूँगा कि एक्सेसरीज फिट करना है फलाना ढिमकाना तो वो कर देते हैं, और अगर मैं कंपनी रिकमेंडेड के अलावा कोई इंजन ऑयल यूज़ करना चाहता हूँ तो उसमें भी कोई रोक टोक नहीं करते। काफ़ी जगह मैंने देखा कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कि कोई और इंजन ऑयल आप यूज़ नहीं कर सकते। हाँ बाकी इंजन ऑयल से रिलेटेड एक चीज़ मैं आप लोग कहूँगा क्लासिक के बारे में, सो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पर जैम लगा हुआ है भाई साहब। सो यही है गाइस, जो छोटे मोटे एक्सेसरीज फिटिंग वगैरह आई थिंक इतना तो छूट देना ही चाहिए कस्टमर को, लाइक अगर मैं एक विंडशील्ड लगा रहा हूँ या फिर पायलट लैम्प्स या इंडिकेटर या फिर अपने क्या बोलते उसको हेडलाइट्स और बैकलाइट्स के गार्ड लगा रहा हूँ तो ये सब चीज़ों में आई थिंक रोक टोक करना कोई सेंस नहीं बनाता। फॉग लैम्प्स का यार मैं फिर भी समझ सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल में आप लोगों को छेड़छाड़ करना पड़ता है, बढ़िया सीट कवर तक उन लोगों को चेंज करने का परमिशन नहीं है सोचो। खैर गाइज ये गई एक बात, बाकी जो इंजन ऑयल से रिलेटेड जो बात है वो है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि रॉयल एनफील्ड क्लेम करता है कि जो इंजन ऑयल है इसकी सेमी सिंथेटिक वाली उसको आप 10,000 किलोमीटर तक चला सकते हो, बट यार मेरी मानो तो मत चलाओ, मेरी मानो तो 5,000 किलोमीटर नहीं तो एटलीस्ट 7,500 किलोमीटर में तो करवा ही लो, क्योंकि उसके बाद 9,000 किलोमीटर तक कुछ बचती नहीं है, वो इंजन ऑयल मतलब इंजन ऑयल रहती नहीं है। और सच बता रहा हूँ मेरा जो 8,000 किलोमीटर के बाद का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ख़राब था, इवन तब मैंने सोचा था कि 9,000 किलोमीटर में इसका इंजन ऑयल चेंज करवा लूँ,
बट मामा जो है वो यूज़ करते थे, सो 9000 किलोमीटर के बाद मामा ने ज़्यादा चलाया, मैंने उतना टच नहीं किया गाड़ी को। सो दैट्स द रीज़न कि आपने अब डार्क नाइट को ज़्यादा चैनल में देखा भी नहीं कुछ दिनों से। और अगर गाइस हार्डकोर राइडर हो और अगर आपको ही पता है कि आपकी गाड़ी लिमिट तक पुश होती है, लाइक इफ़ यू रेडलाइन इट ऑल आउट और काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो, या फिर सिटी ट्रैफिक में भी अगर आप ज़्यादा चलाते हो, तो भी मैं तो कहूँगा कि 5000 के बाद चेंज करवा लो, पर 5000 नहीं तो 7500 में एटलीस्ट चेंज करवा लो, ताकि आई डोंट नो कंपनी इतना ज़्यादा कैसे रिकमेंड कर देती है। सेम मैंने KTM के साथ भी देखा था, क्लेम करती है कुछ 7500 या फिर 5000, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वन, बट मेरे को जो है 2500 के बाद वो चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि 3000 तक उसमें कुछ बचती नहीं है। सो दैट समथिंग जो मुझे लगा शेयर करना चाहिए, और बाकी सब फर्स्ट क्लास है, इसमें कुछ उतना शिकायत नहीं है मुझे इससे। बाय द वे आज के सर्विसिंग में क्या क्या चेंज हुआ वो तो मैं बताना भूल गया। सो क्लच केबल जो है वो चेंज करना पड़ा, और ब्रेक पैड जो है वो चेंज हुए कि अपनी ब्रेक पैड्स दोनों चेंज हुई है। सो ब्रेक पैड्स का जो लाइव है वो ऐसा ही समझ लो, वैसे 10000 नहीं 9000 के बाद ही आवाज़ आना शुरू हो गया था, और तभी मैंने देखा था काफ़ी पतली हो गई थी। बाय द वे इंजन ऑयल से एक और चीज़ याद आया गाइस, जो अपनी क्लासिक में इंजन ऑयल डलती है वो सबसे सस्ती आती है, बाकी अपनी जितनी गाड़ी है चाहे वो FZ हो RC हो सब में सिंथेटिक डलती है आई थिंक। सो उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो क्वांटिटी इसमें सबसे ज़्यादा डलती है 1.7 लीटर्स और कुछ 600 समथिंग का आता है। सो एक प्लस पॉइंट ये है कि मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें काफ़ी कम है, अगर आप वही KTM का देखोगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी पैसे फूक चुका हूँ मैं ऑलरेडी, हर महीने कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ता है उसका, जबकि इसका मैंने 10000 किलोमीटर में 2 ही बार इंजन ऑयल चेंज करवाया, सोचो उसका 10000 किलोमीटर में 4 बार इंजन ऑयल चेंज करवाना पड़ता, इसमें मेरा घर चला जाएगा। बाकी अनफॉर्चुनेटली इसका क्लच केबल असेंबली चेंज करना पड़ा, बट दैट डजंट कॉस्ट मच, 180 रुपये, तुम्हारा घर का डोरमेट भी नहीं आता उसमें। सो गाइस दैट्स इट फॉर माय 10000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू। और गाइस वैसे तो मैंने डार्क नाइट के बारे में सभी बातें आप लोग को पहले ही शेयर कर चुका हूँ अपने 5000 किलोमीटर या 7500 किलोमीटर वाले रिव्यू में, सो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा उनके लिए लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए वो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिया, और एंड सर्विस रिमाइंडर भी कैसे हटाना वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, सो बहुत लोगों का क्वेश्चन आता था, सो उसके लिए भी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी टूरिंग मॉडिफिकेशन कितना यूजफुल हो रहा है वो तो अभी आप लोगों को पता नहीं चलेगा, सो उसके लिए कल अपन लोग ट्रिप में जा रहे हैं, सो उधर देखते कितनी यूजफुल रहती है वाइजर खास करके। सो ये तो यार लगता मैं हटाने वाला हूँ। बाकी अभी फिलहाल इस ब्लॉग को ये पे एंड करते हैं। सो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब, बाकी इंस्टा हैंडल नीचे आ रहा है फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में, सो तब के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।